बिंदु बहुत सरल है। आदर्श राजा वो है जिसके तन, मन और आत्मा तीनों दृढ़ हो। तीनों दृढ़ क्यों? यदि राजा तन से दुर्बल हुआ तो ना संभाल पाएगा अपनी सेना को, ना सीमाओं को, और यदि उसका निर्बल और अस्थिर हुआ मन तो पराजित होता रहेगा वो अपनी ही चिंताओं से, और उसकी आत्मा निर्बल हुई तो कैसे सबल करेगा वो अपनी निर्बल प्रजा को। देखो वत्स, नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, जीवन जैसे चल रहा है बस जीते चले जाते हैं, पर जो प्रगति करना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे दांव पर लगाने से नहीं डरते। संभावना है कि हार जाएं वे, कुछ ना कर पाएं वे, पर ये जो कुछ कर दिखाने का प्रयास है यही उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वे हार जाएं, पर यह संतोष उनसे कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाने का प्रयास तो किया। वैसे मैं इस चुनौती का निर्णय करता हूं, इसलिए तुम्हें इसमें बेईमानी का कोई भय नहीं होना चाहिए। मैं क्या छीन सकता हूं इससे, ये तो तुमने देख लिया, पर मैं इसे क्या दे सकता हूं ये नहीं देखना चाहोगे? मां से दूरी का दुख सहकर यदि ये तक्षशिला में भावी मगधपति होने की योग्यता प्राप्त कर लेगा तो कितनों के दुख मिटाने वाला बन सकता है ये, कितनों के काम, कितनों का भला, क्या कुछ नहीं कर सकता ये? और फिर अखंड भारत का सम्राट बन गया तो अपने साथ साथ अपनी मां का नाम भी इतिहास में अमर कर देगा। ये सुख भला मिल सकता है हर किसी को? नहीं, पर समय से पहले व्यर्थ काल्पनिक सोच मूर्खता होती है वत्स। अभी इसकी तीसरी परीक्षा हुई कहां है, उसे तो हो जाने दो। गुरुदेव, पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि ये बालक अवश्य जीतेगा। जब स्वतंत्रता के लिए आत्मा को बेचने का प्रश्न सामने आएगा तब ये क्या करता है देखते हैं। जोश अच्छा है वत्स, किंतु स्मरण रहे, बड़े बड़े योद्धा मात खा जाते हैं जब वो जोश में होश खो बैठते हैं। युद्ध का पहला नियम है अपना युद्ध चुनना सीखो, कब, कहां और किससे। युद्ध नीति कहती है कि वार सदैव अवसर देखकर ही करो। मुक्ति तो शीघ्र ही मिलेगी चंद्रगुप्त, किंतु ध्यान रहे, एकाग्रता बनी रहे। कठिन पथ पर चलने पर कई बार धैर्य टूट जाता है, हृदय विचलित होने लगता है, और कई बार तुम स्वयं से प्रश्न पूछ बैठोगे, पर तुम्हारा ध्यान सदैव लक्ष्य पर बना रहे, फिर वो चाहे तुमसे कितना ही दूर क्यों ना हो। मुझे ध्वनि भेदन सिखा सके? एक मार्ग है, जो कुछ भी तुम सीखो इतना मन लगाकर सीखो कि आधी धीरा तुमसे प्रभावित हो जाए, जिससे संभावना बन सकती है उनके शपथ तोड़कर तुम्हें सिखाने की। ये सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम एकाग्रचित हो सको, अपने शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी अधिकार कर लो, तो एक साधारण शरीर भी असाधारण कार्य कर सकता है। चाहे जितनी पीड़ा हो, यदि तुम्हारा मन उस पीड़ा को माने ही ना तो। इतिहास में ऐसे कई वीरों के विवरण हैं जिनका सर धड़ से अलग हो गया, किंतु वो युद्ध में लड़ते रहे
रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। उन योद्धाओं को गौरवान्वित करो, बता दो उन्हें कि अब तुमने संभाला है उनका उत्तरदायित्व। निद्रा भोजन भोग भय, ये नर पशु समान, ज्ञान अधिक इक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। चंद्रगुप्त, पृथ्वी पर कई जीव मनुष्य से अधिक शक्तिशाली थे, गाय बैल शेर हाथी सभी मनुष्य से अधिक बलवान थे, किंतु राज किसने किया पृथ्वी पर? मनुष्य ने। कैसे? बुद्धि से। तुम्हें भी बुद्धि से लड़ने वाला योद्धा बनना है चंद्रगुप्त। यदि तुम अपने लक्ष्य को पूरी एकाग्रता से प्राप्त करना चाहोगे तो आत्मिक बल वो कर दिखाता है कि साधारण लोगों को यह असंभव लगता है। एक महान योद्धा की क्या पहचान होती है चंद्रगुप्त? जो ही वो युद्ध में जीते, विजय उत्सवों में अपना समय गंवाए बिना अगले लक्ष्य को प्राप्त करने की योजनाओं में लग जाए। वीर यात्रा, पिछले 15 वर्षों से आज तक इस यात्रा को कोई पूरा नहीं कर पाया, किंतु तुम्हें यह यात्रा सफलता पूर्वक पूरी करनी है चंद्रगुप्त। इनमें और तुम्हारे कवच में क्या अंतर है? तो फिर इस कवच का और इस वीर यात्रा का कोई महत्व नहीं है आचार्य? मूल्य यात्रा का है, यात्रा में मिली वस्तु का नहीं। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है चंद्रगुप्त। व्यक्ति को जब आगे बढ़ना होता है तो सबसे पहले वो अपना लक्ष्य तय करता है, और जब वो व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, राह पर निकल पड़ता है, तो मार्ग उसे सिखाता है, संवारता है, बनाता है, और यही अनुभव उसकी पूंजी होते हैं। मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जाता है, और मिलने वाली वस्तु मात्र सांकेतिक उपलब्धि होती है चंद्रगुप्त। वास्तविक उपलब्धि होती है मार्ग में मिली सीख, राह में आई हर अड़चन को सुलझाते सुलझाते जो वो हो जाता है, वो यात्रा से पहले वाले व्यक्ति से बड़ा व्यक्ति होता है। इसलिए जितनी दुर्गम होगी यात्रा उतना ही निखरेगा व्यक्ति। जैसे विजय यात्रा पर जाने से पहले तुम घबरा रहे थे, तुम्हारे भीतर झिझक थी, तुम्हें नहीं लगता था कि तुम दल का नेतृत्व कर पाओगे, तुम्हें यह भी नहीं लगता था कि तुम हर बाधा को पार कर पाओगे, किंतु तुमने यह सब किया, और जो किया उस उपलब्धि का प्रतीक है यह कवच। किंतु क्या यह कवच तुम्हें अजय बनाएगा? नहीं चंद्रगुप्त, यह कवच एक वस्तु मात्र है। महत्वपूर्ण है इस कवच के पीछे छुपा विश्वास, इस विजय यात्रा से मिला तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार, यही बनाएगा तुम्हें अजय। आचार्य, तो क्या अब मैं अपनी मां को छुड़ाने जा सकता हूं? यह कवच एक वस्तु मात्र है। महत्वपूर्ण है इस कवच के पीछे छुपा विश्वास, इस विजय यात्रा से मिला तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार, यही बनाएगा तुम्हें अजय।
कवच के लिए जो कथाएं प्रचलित थी वो सारी मिथ्या। किनकी थी वो कथाएं? उन महान योद्धाओं की जिनकी महानता ने उनके कवच तक को इतिहास बना दिया। तो बड़ा कौन? वो कवच, वो व्यक्ति, या वो योद्धा, या वे कार्य, वे महान युद्ध जिनसे वो इतिहास में अमर हो गए। वो व्यक्ति, वो योद्धा, वो लिख चुके हैं अपना इतिहास। तुम्हें अपना इतिहास अभी लिखना।